अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ कढ़ी और देखें कितनी आसान तरीके से बनती है कढ़ी और इतनी जल्दी तैयार हो जाती है। ये देखें कितनी लजीज और मज़ेदार कढ़ी बनी है सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटे में। आप भी ट्राई करिएगा किस तरह से बनती है। मैंने चढ़ा दी है, ये मेरी कढ़ी जो है वो पकड़ी है। कढ़ी में मैंने सिर्फ मसाला भून कर, जो सिंपली मसाला भूनते हैं उसमें भून कर, तो फिर मैंने उसमें जो मैंने ब्लेंड किया था दही और मैंने क्या कहते हैं बेसन जो है वो 4-6 चम्मच डाल के 1 किलो दही में मैंने ब्लेंड कर लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है सारे मसाले। उसके बाद सूखी मेथी और मस्टर्ड सीड्स जो होते हैं वो मैंने डाल के इसे अब मैं भूनने के बाद अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया फुल, और अब ये पकेगी तकरीबन 2 से 2.5 घंटे। फिर उसके बाद पकौड़े बना के उसमें फिर मैं डालूँगी। कढ़ी जो है ये मेरी तैयार होने वाली है, अभी 2 घंटे हो चुके हैं। कढ़ी को मेरे देखें कि सारी बॉयल हो गई है मेरी, मैंने उसका कैप रख दिया था लेकिन अब मैंने स्ट्रेनर रख दिया है। स्ट्रेनर से जो है बॉयल नहीं होती, वो गलती से कैप रख दिया था थोड़ी देर के लिए, वो पूरी इतनी सारी मेरी बॉयल हो गई है, तो मैंने उस पर स्ट्रेनर रख दिया है और कैप जो है मैंने हटा दिया है। देखें ये मेरी कढ़ी जो है वो तकरीबन डन हो गई है और ये पकौड़े बन रहे हैं एक तरफ, और ये बन गरम गरम जब पक जाते हैं मैं इसमें कॉर्न से डाल देती हूँ। बस ये है मेरी जो है कढ़ी डन हो गई है। बस मैं इसमें तड़का लगाऊंगी, तड़के के लिए मुझे चाहिए होंगे ये हरी मिर्चें मतलब सूख गए हैं, और ये राई दाना है, कड़ी पत्ता है। बस मैं इसको लगाऊंगी तड़का और मेरी कढ़ी हो जाएगी डन। देखें कढ़ी जो है मेरी कंप्लीट हो गई है और इसे मैंने तड़का भी लगा दिया है और ये है बिल्कुल डन हो चुकी है, और ये शक्ल से तो बहुत अच्छी लग रही है। अब खा के पता चलेगा ये कैसी है, यम्मी सी कढ़ी मेरी। ये देखें बिल्कुल डन, और मैंने अभी चखा है थोड़ा सा, मज़े की लग रही है बहुत। मुझे कढ़ी बहुत पसंद है, मैं बहुत शौक से खाती हूँ, इसलिए मैंने जो 1 किलो दही की बना दी, मतलब कि ज़्यादा ही बना दी, 2-3 दिन भी चल जाएगी तो मैं खा लूँगी, कोई मसला नहीं है, 2-3 दिन में भी ख़त्म हो जाएगी है। ये जो है ये हस्बैंड मेरे जो हैं वो ड्राई फ्रूट लाए थे बच्चों के लिए, तो सर्दियाँ आती हैं तो बच्चों को ड्राई फ्रूट खिलाना चाहिए। ड्राई फ्रूट से बच्चों में मतलब तवानाई आती है, थोड़ा सा अच्छा रहता है बॉडी के लिए, तो काजू वगैरह बादाम ये सब जो है ना ये बच्चों को खिलाते रहना चाहिए। बादाम तो लाजमी ही खिलाने चाहिए और अखरोट भी खाने चाहिए। बस पिस्ते और काजू तो कम क्वान्टिटी ही यूज़ करें, बड़े ही करते हैं ज़्यादातर। तो फिर जो है ये क्या बोलते हैं इसको, भूल जाती हूँ इसका नाम हमेशा से, तो ये ले आए थे हस्बैंड मेरे। फिर मैंने इसे क्या कहते हैं स्टीम कर, स्टीम बगैर पानी के मैंने चूल्हे पर रख दिया, तो ये स्टीम हो गए थे। स्टीम होने के बाद ये अच्छे से बनते हैं, अगर पानी डाल दो तो ये अच्छे नहीं बनते, तो इसे जो है ना ऐसे रख देते हैं चूल्हे के ऊपर स्टीम करने के लिए, बिल्कुल कुछ पानी वगैरह नहीं डालते, और ये 2-2.5 घंटे में ना स्टीम से ही ये बन जाते हैं, बड़े मज़े के लजीज बनते हैं और ये मुझे बहुत पसंद हैं। इसको क्या बोलते हैं, मुझे तो नाम ही याद नहीं आ रहा इसका इसको जो भी बोलते हैं ये बहुत अच्छा होता है और मुझे अच्छा बहुत पसंद है, तो मैं शौक से खाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ले आए थे, बस इसका सीज़न चला ही गया तकरीबन, तो बस जो था लास्ट ही था। साइज के लिए मुझे चाहिए आलू, ये है मेरे पास आलू और 1 किलो आलू है, इसकी मैं बनाऊँगी फ्राइज। तो ये देखिए यहाँ पे आलू है, इसके अंदर अभी मैं छीलूँगी काटूँगी। देखें आलू मैंने काट लिए, काट के धो के काट के मैंने स्ट्रेनर में डाल दिए हैं ताकि ये थोड़ा इसका पानी जो है वो निकल जाए। उसके बाद मैं इसमें लगाऊंगी मसाला, और मतलब मसाला लगाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मसाला लगाऊंगी तो फिर मैं आपको दिखा दूँ। देखें मैंने आलू काट कर उसमें कॉर्नफ्लावर और मेरे पास फ्राइज का मसाला था वो लगा दिया। अब मैं जो है इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, ये मिक्स हो जाएगा जब, अब ये मिक्स हो रहा है तकरीबन, ये मिक्स हो गया। अब ये मिक्स हो गया और मेरा तेल भी जो है वो गर्म हो गया। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये फ्राइज,
ज़्यादा आलू नहीं डालेंगे, सिर्फ थोड़े से डालेंगे, तो वो चिपक जाएंगे और अजीब से हो जाएंगे। और ये मेरी चाय जो है वो तैयार हो गई। ये फ्राइज मेरे जो है वो हो गए हैं तैयार। तकरीबन मेरी फ्राइज जो है वो तैयार हो गई हैं, बस शाम में बच्चों ने कहा था मामा फ्राइज बनाए, तो मैंने फ्राइज बनाए। क्योंकि फ्राइज बनाना कितना मुझे बुरा लगता है ना, इतना मुश्किल काम लगता है फ्राइज बनाना, लेकिन बच्चों ने कहा मामा फ्राइज बना दें, तो फिर मैंने फ्राइज बना दी बच्चों को। और ये फ्राइज मेरी तैयार हो गई थी। ये देखें आजकल जो है ना आलू थोड़े से ना मीठे वाले आ रहे हैं, तो वो ना फ्राइज थोड़ी सी फूड पार्लर से मंगाओ ना तो वो मीठे आलू आते हैं वहाँ से। तो फ्राइज़ थोड़ी सी ना नरम सी बनी है, लेकिन कॉर्नफ्लावर लगाने की वजह से थोड़ा सा सही हो गई, नहीं तो बहुत ही ख़राब बनती। तो बस यही था आज का मेरा व्लॉग। ये कढ़ी बहुत अच्छी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई। और बस रात को फिर हमने गाजर का हलवा मंगवा लिया था, गाजर का हलवा खाया। और गाजर का हलवे का सीज़न है, तो जब तक है जब तक हम खा रहे हैं फिर ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे तो बनाना नहीं आता, तो हम बाज़ार से मंगा के खाते रहते हैं। तो अगर आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और मेरी कोशिश है कि मैं अच्छे से अच्छी वीडियोस बनाऊं आप लोगों के लिए। अल्लाह हाफिज़।